हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काली किशमिश के बारे में। जो काले मुनक्का होते हैं, काली किशमिश जो होती है, उसके बारे में बात करूंगा कि यह आपके हेल्थ पर कितना बेनिफिट देती है, आपके स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर काली किशमिश कई रोगों में रामबाण इलाज का काम करती है। किन लोगों के लिए किशमिश का सेवन ज़्यादा फायदेमंद है, किशमिश कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, तो आज इन सभी बातों पर मैं डिस्कस करूँगा। दोस्तों, काले अंगूर को सुखाकर ही किशमिश तैयार की जाती है। किशमिश अलग अलग आकार और रंगों में पाई जाती है। यहाँ पर हम काली किशमिश की बात करेंगे जो कि शरीर को बहुत ही ज़्यादा फायदा देती है। काली किशमिश से मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, इसका उपयोग मिठाइयों में भी किया जाता है। दोस्तों, काली जो किशमिश होती है वह आपकी थकान अगर आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है तो काली किशमिश खाने से आप में एनर्जी बनी रहेगी, आपकी इंस्टेंट एनर्जी का काम करेगी। अगर आप में हमेशा थकान बनी रहती है तो आप काली किशमिश का जरूर सेवन करें इंस्टेंट एनर्जी के तौर पे। रोज़ाना काली किशमिश खाने से आपको एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, थकान, सांस की तकलीफ़ों में राहत मिलती है। काली किशमिश आप नियमित रूप से खाते हैं तो आपके बाल भी बहुत अच्छे, घने और लंबे बने रहते हैं, बालों का झड़ना बंद हो जाता है। त्वचा पर उम्र से पहले नज़र आने वाली झुर्रियों में भी काली किशमिश बहुत ही अच्छा काम करती है। रोज़ाना काली किशमिश स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। काली किशमिश खाने से स्किन में जल्दी बुढ़ापा नज़र नहीं आता है। अगर झुर्रियाँ बनती है, झुर्रियाँ अगर आपको पड़ने लगी है समय से पहले, तो काली किशमिश में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, वह त्वचा की जो कि इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, प्रदूषण और जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उनसे होने वाला जो नुकसान होता है उससे भी काली किशमिश बचाती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अक्सर तनाव, गलत लाइफस्टाइल, नींद की कमी के कारण आपके बाल जो है वह झड़ने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसे में आयरन से भरपूर जो काली किशमिश है वह आपके बालों को मजबूत करती है, साथ ही साथ आपके बालों को घना और लंबा बनाती है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, काली किशमिश में पोटेशियम, कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है, जिससे हड्डियों की कमज़ोरी जो होती है वह दूर होती है और हड्डियों की मजबूती बनी रहती है। नियमित रूप से काली किशमिश खाने से हड्डियों से जुड़ी जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाव होता है। एनीमिया से भी यह आपको बचाती है। काली किशमिश में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि आपकी रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, जिससे आपके खून की कमी दूर होती है और एनीमिया की होने लगती है। महिलाओं में अक्सर एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी पाई जाती है, ऐसे में रोज़ाना काली किशमिश ज़रूर खाना चाहिए। अगर आपका पाचन बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, जिन लोगों का हाजमा बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है उनके लिए किशमिश का सेवन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यह डाइजेशन में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। किशमिश को रात को भिगो दे और सुबह इसका सेवन करने से आपकी पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, सीने में जलन वगैरह रहती है, तो काली किशमिश में मौजूद जो कूलिंग एजेंट है वह आपकी एसिडिटी की समस्या को सही करेंगे। यह शरीर में ठंडक बनाए रखते हैं, जिससे एसिडिटी की तकलीफ में बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। एसिडिटी से परेशान रहते हैं तो काली किशमिश को रात भर भिगो दें और इन्हें खा लें। ऐसा नियमित रूप से करने से एसिडिटी में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा थके से रहते हैं, आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो अगर आप थकान महसूस करते हैं तो काली किशमिश को खाना शुरू कर दें। इसमें मौजूद जो नेचुरल शुगर है वह मिनटों में ही एनर्जी लेवल को बढ़ा देती है, जिससे लो ब्लड प्रेशर की तकलीफ रहती है। जिन लोगों को भी लो ब्लड प्रेशर की तकलीफ रहती है उनके लिए काली किशमिश बहुत ही अच्छा लाभकारी है। काली किशमिश का सेवन उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे किशमिश से होने वाले जो काली किशमिश है उससे होने वाले कुछ हेल्थ बेनिफिट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।